दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया कि 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग जो है हर व्हीकल, चाहे वो बस हो, ट्रक हो या फिर कार हो, सभी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो जल्दी से जो लोगों का फास्टैग नहीं है, फास्टैग को करवा लीजिए, ठीक है? नहीं तो 1 दिसंबर अगर क्रॉस हो गया तो आपको जब भी क्रॉस करेंगे टोल नाका, तो वहाँ पर आपको परेशानी होगी और आपको टोल नाका क्रॉस करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। वहाँ पर आपको जो पेनल्टी देना पड़ेगा, मतलब सिंगल जाने के लिए जो पेमेंट आपको देना पड़ता था उसका डबल देना पड़ेगा। लेकिन 1 दिसंबर जाने के बाद जितने भी सारे व्हीकल ओनर्स थे उस टाइम पर, इंक्लूडिंग मी, सभी ने सब काम धंधा छोड़कर चला गया फास्टैग के, मतलब कैब में जहाँ पर टोल टैक्स में बैठा था, या फिर फास्टैग के ऑफिस में, या फिर ऑनलाइन में, ठीक है? मतलब रातों रात फास्टैग को करवा लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं। लेकिन वहाँ पर पता चला कि 1 दिसंबर से टाइम को एक्सटेंड करके 15 दिसंबर कर रहा है, ठीक है? मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज डिपार्टमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया है। लेकिन 15 दिसंबर को क्रॉस करने के बाद फिर सुनाई दे रहा है कि वो टाइम एक्सटेंड होकर जनवरी का 15 डेडलाइन हो रहा है। मतलब एक यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि डेडलाइन एग्जैक्टली कौन सी डेट है डेडलाइन? हर महीने में टाइम एक्सटेंड हो रहा है, मतलब सिर्फ गोलमोल घुमाया जा रहा है। कि बोल रहा है कि 1 दिसंबर से मैंडेटरी होगा, फिर बोल रहा है कि 15 दिसंबर डेडलाइन है, फिर 15 दिसंबर क्रॉस करने के बाद बोल रहा है जनवरी 15 डेडलाइन है। अभी जनवरी 15 क्रॉस करने के बाद फिर कोई एक दूसरा महीने में 15 तारीख को दे देगा कि ये डेडलाइन है। तो ऐसे चलते रहेंगे तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर है कि वाकई में फास्टैग मैंडेटरी होने वाला है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग पहले फास्टैग को यूज़ करके महीने भर के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर फ्री में टोल क्रॉस करते थे, उनके जो ये सिस्टम था उसको बंद करने का सिर्फ एक तरीका है मैंडेटरी के नाम पे। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि वहाँ पर मतलब हर टोल नाके पर आप जब भी क्रॉस करेंगे तो आपको एक वार्निंग बोर्ड दिखाई देगा ऐसा, ठीक है? जहाँ पर लिखा है कि 1 दिसंबर, वहाँ पर लिखा नहीं है कि 15 दिसंबर या फिर 15 जनवरी। मतलब पहले जो वार्निंग बोर्ड वहाँ पर चिपकाया गया था वही वार्निंग बोर्ड वहाँ पर है 1 दिसंबर से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 दिसंबर से फास्टैग मैंडेटरी हो चुका, और जब जो भी क्रॉस करेगा विदाउट फास्टैग, प्रॉपर फास्टैग, उसको फास्टैग लेंथ से क्रॉस करने के लिए डबल अमाउंट दे के क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब पेनल्टी दे के। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, मैं कॉन्फ्यूज हो गया हूँ यहाँ पर। जितने भी सारे वेस्ट बंगाल, आपके टोल नाके पर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जितने भी सारे टोल नाके हैं यहाँ पर कौन सी लेन एग्जैक्टली फास्टैग लेन है? यहाँ पर सभी लेन के ऊपर ही फास्टैग लिखा हुआ है, और यहाँ पर सभी लेन ही फास्टैग लेन है। तो यहाँ पर एक बात कहनी थी, जिन लोगों ने सोचिए 1 दिसंबर से फास्टैग को खरीद लिए, तो वो लोग खामोखा क्यों हैरास होंगे इसके कारण? मतलब गवर्नमेंट ने अगर फास्टैग के डेडलाइन को बढ़ाया है टाइम को जनवरी 15 तक, तो वहाँ पर एक हर टोल नाके पर अलग से फास्टैग लेन करनी चाहिए। मतलब टेम्पोरली एक लेन को मतलब फास्टैग लेन करनी होगी जहाँ से ओनली फास्टैग जिन्होंने कर लिए हैं वो क्रॉस करेंगे, और बाकी के जितने भी सारे लेन से मतलब टोल टैक्स में उसको मतलब जनवरी, मतलब जब ये डेडलाइन ख़त्म होगा फास्टैग पूरा के पूरा मैंडेटरी हो जाएगा, तब उस लेन को फास्टैग लेन करने देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो लोगों ने फास्टैग को खरीदे हैं 1 दिसंबर हो या फिर 15 दिसंबर हो, उन लोगों को ज़्यादा हैरान होना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने फास्टैग को खरीद लिया है उन लोगों का क्या? मतलब फर्स्ट जिनके पास जो कैश देकर अभी भी क्रॉस कर रहा है वो लोग इजीली क्रॉस कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो लोग सोचिए 1 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर पर फास्टैग को खरीद लिया है, अपने कार के विंडशील्ड पर लगा लिए हैं फर्स्ट, तो उन लोगों के लिए अलग से कोई भी लेन नहीं है टोल टैक्स पर जहां से फास्टैग किए हुए गाड़ी सिर्फ क्रॉस करे। यहां पर हो रहा है कि हर लेन ही फास्टैग लेन है, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी लेन फास्टैग लेन है। मैंने पूछा भी था तो उन्होंने बोला कि हमारा सभी लेन फास्टैग लेन है। यहाँ पर हो रहा है जिन लोगों के पास कैश दे रहा है फास्टैग नहीं है, वो भी जिस लेन से जा रहा है, जो लोगों का फास्टैग है वो भी उसी लेन से जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पहले जितने परेशानी होती थी टोल टैक्स में फास्टैग को मैंडेटरी करने का डिसीजन लेने के पहले, उससे कई गुना ज़्यादा जैम हो रहा है लेन में। और जो लोगों के पास फास्टैग है दोस्तों, वो लोग भी मतलब जिसके पास फास्टैग नहीं है उन लोगों की तरह ही मतलब जैम में अटका रहता है, ठीक है?
और साथ ही साथ यहाँ पर और एक बात कहना चाहूँगा कि वाकई में फास्टैग मैंडेटरी होगा दोस्तों, इसका मुझे अभी भी शक है कि क्योंकि 15 दिसंबर और 15 जनवरी ऐसे करते करते साल ना निकल जाए मैंडेटरी होते होते, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों। हर टोल टैक्स में जो RFID स्कैनर लगा हुआ रहता है ऊपर में, तो वहाँ पर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है कि नाम के सिर्फ जो स्कैनर है वो बैठा हुआ है। जब भी फास्टैग को लेकर मतलब लेन में घुसते हैं कोई, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, तो बोलता है कि सामने जाइए, थोड़ा साइड में कीजिए गाड़ी को, थोड़ा पीछे कीजिए कूड़ा। तो अगर ऐसा स्कैनर लगा रहेगा मतलब टोल टैक्स पर, तो क्या जल्दी में निकलेंगे यहाँ, इससे तो अच्छा कैश देना था। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मुझे बताया गया कि गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाइए, गाड़ी को थोड़ा पीछे ले जाइए, गाड़ी को थोड़ा साइड में ले जाइए, गाड़ी को थोड़ा मतलब दाएं कीजिए बाएं कीजिए, ऐसे करते करते बोल रहा है कि हमारा स्कैनर ख़राब है शायद। बोलने के बाद वो लोग निकल के उनके हाथ में एक स्कैनर मशीन लाया और हमारे विंडशील्ड पर चिपका के स्कैन करने के बाद 5-10 मिनट ऐसे ही निकल गए। दोस्तों यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर स्कैन करने के बाद भी जो टोल नाका का गेट है उन्होंने ओपन नहीं किया है। उन्होंने जैसे उन सभी में एक कन्फ्यूज़न था, जैसे मैं विदाउट बैलेंस फास्टैग को लेकर टोल नाका क्रॉस करने का कोशिश कर रहा हूँ ऐसा, तो वहाँ पर मशीन में कुछ सर्च कर रहे थे, जैसे श्योर नहीं थे कि वो मतलब टोल नाके का गेट को खोले या यहाँ पर ही मुझे पकड़ के रखे, ठीक है ऐसे हो रहा था। और दोस्तों यहाँ पर मेरे पीछे और भी गाड़ी खड़े थे जो कि हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे थे, लेकिन जो टोल नाका का जो आदमी था उनको जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है, और वो सिर्फ सर्च ही कर रहे थे। मतलब ऐसे दोस्तों मतलब कैसे मतलब फास्टैग मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो जैसे एटलीस्ट लास्ट में उसको जब लगा कि हाँ इसको गेट खोलना चाहिए, मतलब पकड़ के रखने का कोई फायदा नहीं, मतलब वो जब श्योर हुए तब उसने गेट खोले और मैं वहाँ से निकला, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा एक काम के लिए जाना, तो बेकार में मेरा वहाँ टाइम वेस्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर फास्टैग को मैंडेटरी करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चीटिंग कर रहा है, ठीक है। क्या फास्टैग वाकई में बेनिफिशियल है हमारे लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ चीट, तो यही बताने के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो अपलोड किया है आज। देखते हैं कि फास्टैग वाकई में मैंडेटरी होता है कि सिर्फ नाम के। मेरे ख्याल से दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक चीटिंग है और कुछ नहीं। यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी व्हीकल के लिए अभी तक फास्टैग को नहीं खरीदे, वो लोगों को मतलब कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, आसानी से वो लोग टोल क्रॉस कर रहे हैं, जबकि जो लोग फास्टैग को खरीद ली है ऑलरेडी उनको ऐसे हैरासमेंट होने का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंडेटरी करने से पहले हर टोल नाके पर जो स्कैनर है RFID स्कैनर मतलब फास्टैग स्कैनर, उसको पहले चेंज कीजिए, मेरा दरख्वास्त है आप सबसे मतलब गवर्नमेंट से और जितने भी सारे टोल नाका कंपनी है उनसे, उस स्कैनर को पहले ठीक कीजिए, बाद में जाके फास्टैग को मैंडेटरी कीजिएगा। क्योंकि स्कैनर ऐसे स्कैनर के साथ फास्टैग मैंडेटरी होगा तो सिर्फ टोल नाके पे जैम के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों ने फास्टैग कर लिए उन लोगों के लिए एक अलग से लेन अभी मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ से सिर्फ फास्टैग किए हुए गाड़ी क्रॉस करेगा, और एक और बाकी जो लेन है वहाँ से जो लोग अभी भी क्रैश में जा रहा है उनके लिए। पर ऐसा कोई भी सिस्टम टोल टैक्स में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, हर लेन में ही कैश हो या फिर फास्टैग हो, एक ही गाड़ी जा रहा है, हर गाड़ी जा रहा है हर लेन से, जिसके कारण ऐसे बड़ा सा जैम हो रहा है, चाहे वो रात में हो चाहे वो दिन में हो। तो दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये बात मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे डेवलपमेंट तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।